Very good morning, students. Welcome to Kannanandan Home Learning. Today I am presenting math subject for standard first. Revision worksheet. Revision worksheet में बच्चों जो भी आज हम discuss करेंगे वो worksheet की आप print लेके भी otherwise आपके notebook में revision कर सकते हो, right? एंड प्रीवियस जितने भी हमारी वीडियो के बाद मैंने वर्कशीट दी है वो वर्कशीट की भी आप रिवीजन कर आप लोगों को रिवीजन करनी है. ओके, सो ऑल द बेस्ट बच्चों. अभी रिवीजन वर्कशीट में आज पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. नंबर नेम ऑफ 17. नंबर नेम ऑफ 17 इज 17 का स्पेलिंग का क्या होगा, टिक ऑन दैट. और फिर ये जो बॉक्स में है उसमें आपको करेक्ट करेक्ट ऑप्शन लिखना है. ओके, नाउ काउंट एंड राइट. यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स है काउंट करो एंड जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसको बॉक्स में लिखना है. ओके, राइट बिटवीन नंबर 97-99 का बिटवीन नंबर कौन सा है. राइट एक्सटेंड द पैटर्न. इसमें बच्चों ये पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और नेक्स्ट आगे क्या पैटर्न आएगी उसका ऑप्शन चूज करके लिखना है. व्हाट इज द गिवन शेप. गिवन शेप का नाम क्या है. The number before 55 is dash dash. Write 86 in number. 86 को number में कैसे लिखेंगे. Choose your option. 9 tens. 9 tens का मतलब क्या होता है वो आपको लिखना है. 33 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे. यस, वो आपको चूज करके बॉक्स में आंसर लिखना है. एक्सटेंड द पैटर्न. बच्चों ये पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और आगे कौन सा पैटर्न आएगा चूज. 110 मीन क्या होता है, 4 1 है ना, उसको एडिशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं और उस 110 एंड 4 1s मिलके क्या होता है आपको ये बॉक्स में वो नंबर लिखना है. गॉट इट. नाउ पुट ट्रायंगल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट नंबर के ऊपर क्या करना है आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है. पुट सर्कल अराउंड द ग्रेटेस्ट नंबर. आपको ग्रेटेस्ट नंबर पे सर्कल करना है. नाउ एक्सटेंड द पैटर्न सीक्वेंस. बच्चों ऑब्जर्व दिस पैटर्न एंड आगे उसका कैसा पैटर्न होगा वो आपको ड्रॉ करना है. नाउ व्हिच शेप ऑकर्स How many times in the picture? Count and write. Given picture में कितने shapes हैं? तो वो count करके आपको यहाँ पे लिखना है. Got it? यहाँ पे हमारी ये worksheet खत्म हो रही है. ये worksheet को आप आपके notebook में repeat कर सकते हो, revise कर सकते हो. Otherwise, take print and solve it. All the best, बच्चों. Bye.